ये कुछ किचन हैक्स हैं जो कि अगर हम प्रॉपरली इनको ऑर्गेनाइज कर लें, जिस समय हम वेजिटेबल्स लेकर आते हैं तो खाना बनाने में हमें आसानी हो जाती है। अब जैसे मटर मैंने छील के रख लिए हैं, ये पूरा मटर जो है जितना मैंने मंगवाया था उसको मैंने छील के रख लिए। और बीन्स धो के रख लिए हैं, इसमें हरी मिर्ची भी धो के रख ली है, देन गार्लिक है उसको भी धो के रख लिया है। टमाटर को धो के पोंछ कर इस कंटेनर में रख लिया है। इस पत्ता गोभी के जो साइड के जो लीव्स होते हैं उनको निकाल दिया है, इसको वॉश कर लिया है, सॉरी नॉट पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर को, फूल गोभी को और पत्ता गोभी को भी धो लिया है। पालक को तैयार करके रख लिया क्योंकि मेरे पास पनीर रखा हुआ है, घर में पालक पनीर बनाऊंगी। और साथ में ये भी देखिएगा कि जितने भी ये छिलके निकलते हैं, मैं इन छिलकों को प्रॉपरली एक ट्रे में रख लेती हूँ और उसके बाद एक पॉली बैग में ले जा रख कर और किसी एनिमल को उनके सामने डाल देती हूँ और पॉली बैग हटा देती हूँ, ताकि इसको हम कूड़े में ना डालकर, वेस्ट ना करके किसी जानवर के पेट में ये खाने के रूप में चला जाए। इससे कम से कम उसकी थोड़ी सी भूख कम हो सकती है। कल मैं ये जितने भी छिलके हैं इनको एक पॉली बैग में ले जाऊंगी अपने पेरेंट्स के घर, और वहाँ पर गाय आती हैं उनके लिए, वहाँ पर उन्होंने एक सीमेंट से एक बर्तन भी बना रखा है जहाँ पानी भी रखा रहता, डाल दिया जाता है, और वो खाना खाते हैं। कुत्ते आते हैं, गाय आती है, गिलहरी आती है, चिड़िया आती हैं, वो लोग खाना खा के फिर पानी पी के या तो वहाँ बैठते हैं या फिर चले जाते हैं। इस तरह से हम अब एक एक चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई भी हमारे यहाँ वेस्ट नहीं होगा। और जितने भी हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी हमें देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ को हमें किस बैग में डालना है और कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है? वो उसके बारे में मैं फिर से एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें कि किन किन चीज़ों को हमें जब डिस्पोज कर रहे हैं उनको किस टाइप से डिस्पोज करना चाहिए, और अगर उसको प्रॉपरली हम डिस्पोज नहीं करते हैं तो उसे क्या नुकसान होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जो वेजिटेबल्स सूख गई थी उन सब वेजिटेबल्स को मैंने बॉक्सेस में डाल दिया है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब मैं इनको वेजिटेबल बास्केट में रखूँगी, और इससे क्या होगा, एक तो ये चीज़ ख़राब नहीं होगी और दूसरा ऑर्गेनाइज रहेगी। बहुत कम जगह में ही हमारी सारी चीज़ें आ जाएंगी। और भी वेजिटेबल के लिए इसमें यहाँ पर स्पेस बच जाएगी, जो अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सूखी नहीं थी उनको मैंने अंदर नहीं रखा है। गार्लिक को भी मैं अंदर रखती हूँ क्योंकि ये सूख जाता है बाहर रहकर। इसमें मैंने हरी मिर्ची रखी है, ये गार्लिक है, इसमें टमाटर रखे हुए हैं, इसमें मैंने पालक रखी है जो कल बनानी है, इसके अंदर धनिया है, इसमें मटर है। ये प्रॉपरली हमारा बास्केट, वेजिटेबल बास्केट ऑर्गेनाइज हो गया और अभी भी इसमें काफ़ी स्पेस बचा हुआ है।